हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैज़ किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईद स्पेशल ज़रदा, जो कि बहुत टेस्टी होता है। आप इसको बड़े छोटे किसी को भी बना के दे सकते हैं, सभी बहुत शौक से खाएंगे। और आप इसको कभी भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसको ईद पर ही बना कर खाएँ, आप इसको जब मन करे तब बनाइए और खाइए। चलिए बनाते हैं। लिए हमने यहाँ लिया है 1/2 kg राइस, ये मैंने बासमती राइस लिया है, इसको मैंने 1 घंटा भिगो दिया है। और यहाँ मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, इसमें मैंने लिए हैं काजू, बादाम, किशमिश, जिसको मैंने कट कर लिया है। और 300 ग्राम हमने चीनी ली है और 5 हरी इलायची और थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं, जिसको मैंने 2 पीसेस में तोड़ लिया है। इसको हम गार्निश के लिए ऊपर से डालेंगे। इसी चेरी हमने ली है ऊपर से गार्निश के लिए। और यहाँ हमने लिया है नारियल, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो ज़रदा बनाने के लिए हम सबसे पहले राइस को बॉईल कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पानी ले लिया है। और इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून फूड कलर, मैं यहाँ रेड फूड कलर ले रही हूँ, आप ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं जैसा आप बनाना चाहें। इसको मिक्स कर देंगे और पानी में बॉईल आने देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है ऑयल, जिससे कि चावल जो है वो आपस में चिपकेगा नहीं, खिला खिला रहेगा। तो पानी बॉईल होना शुरू हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे राइस। तो सभी राइस ऐड करने के बाद इसको हम एक बार कलर में अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको चला देंगे। और इसको कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल होने देंगे। तो राइस को हम चेक कर लेंगे, बॉईल हो गया है। और हमने इसमें ऑयल ऐड किया था, तो उस वजह से देखिए चावल जो है हमारा एकदम खिला खिला है, आपस में चिपक नहीं रहा है। और मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, ये देखिए चावल हमारा हो गया। हमें इसको 80% ही बॉईल करना है, तो बस अब हम इसको छान लेंगे। तो सभी राइस को हमने चलनी की सहायता से छान लिया है। और ये देखिए चावल कितना अलग अलग एकदम खिला खिला है, देखने से लग रहा होगा आपको। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो सेम भगोना हमने ले लिया है और इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी घी। मैं यहाँ घी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 4 टेबल स्पून घी लिया है और इसको अब हम गर्म होने देंगे। तो घी हमारा गर्म हो गया और मैंने इसमें यहाँ हरी इलायची, जिसका छिलका निकाल दिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको चटकने देंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस, इसको अच्छे से फैला लेंगे। तो एक लेयर हमें राइस की लगा लेनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, इसको भी हमें ऐसे ही फैला देना है अच्छे से। सेम प्रोसेस ऐसे ही हमें करना है, राइस फिर से हम डाल देंगे और फिर से हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही में हम कुछ बीच में ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे। तो सभी लेयर्स लगाने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 25 से 30 मिनट इसको हम कुक होने देंगे। चावल को मैंने एक बार पहले चला दिया था, अब हम इसको फिर से एक बार चला देंगे।
और इसको कवर करके कुक होने देंगे। तो हम चावल चेक कर लेंगे और बीच बीच में मैंने इसको 2 से 3 बार चला दिया था और अब हमारे चावल रेडी हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें अच्छे से घी भी छोड़ दिया है और ये देखिए चावल कितना एकदम खिला खिला बना है। अब गैस को हम कर देंगे ऑफ और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो जर्दा हमने प्लेट में निकाल लिया है और इसको गार्निश के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ नारियल, इसे हम इसको सभी तरफ फैला देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने टुकड़ों में तोड़ लिया था पिस्ता, काजू और किशमिश, वो हम इसमें अच्छे से फैला देंगे। और हम इसमें चेरी ऐड कर देंगे, इसको भी हम अच्छे से फैला देंगे। और लिया है खोया जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। तो ये लीजिए खाने के लिए ज़र्दा बिल्कुल रेडी है और इसका टेस्ट लेने के लिए इसको बनाइए, उसको खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।